मौजूद सामईन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। श्री कैसेट इस्लामिक और संजय अग्रवाल जी की जानिब से हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की आवाज़ में फिर एक बहुत ही हसीन वाकया आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर आली जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। इसमें म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान जी ने। ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है ये हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है। तो लीजिए, ये बड़ा ही दिलचस्प वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसका उनवान है वाकया हज़रत अली का फैसला, एक माँ का अपने बेटे से निकाह। तो देखिए, इसका टाइटल ही ऐसा है। अब आप पूरा सुनिए, और हज़रत अली ने जो फैसला दिया, हज़रत अली शेर खुदा के इल्म का अंदाज़ा आप इस वाक़े में देखेंगे। तो लीजिए मुलाहज़ा फरमाइएगा, ये बहुत ही हसीन वाक़या हज़रत अली का फैसला, एक माँ का अपने बेटे से निकाह। हजरत अली की शान विलायत है बाकमाल, हजरत अली की शान विलायत है बाकमाल, अनवार बा खुदा ये हिकायत है बाकमाल, अनवार बा खुदा ये हिकायत है बाकमाल, अनवार बा खुदा ये हिकायत है बाकमाल, हजरत अली की शान विलायत है बाकमाल, हजरत अली की शान विलायत है बाकमाल, हजरत अली की शान विलायत है बाकमाल। अल्लाह ने इल्म ऐसा अली को अता किया, सब जानते हैं रब के करम से ढका छुपा, अस्हाब में कुछ और ही रुतबा है आपका, शौहर है फातिमा के वो दामाद मुस्तफा, नजरें उठाएं देख ले अर्शे उला को आप, नजरें झुकाएं देख ले तहतुस्सरा को आप, सच्ची ये बात है, हमने भी कुतुबे दीन में देखी ये बात है, एक दिन नमाज फजर को पढ़कर खुशी के साथ बैठे थे, आप थे वहाँ खादिम अली के साथ, हजरत अली ने ये कहा खादिम से, आ इधर तू जा फला महल में हरगिज न देर कर, मस्जिद है उस महल में चल उसकी राह पर, मस्जिद के पास देखना एक शख्स का है घर, एक मर्द एक औरत वहाँ लड़ते हैं जाके देख, एक मर्द एक औरत वहाँ लड़ते हैं जाके देख, एक मर्द एक औरत वहाँ लड़ते हैं जाके देख, एक दूसरे से दोनों झगड़ते हैं जाके देख, एक दूसरे से दोनों झगड़ते हैं जाके देख, एक दूसरे से दोनों झगड़ते हैं जाके
फासला। खादिम गया वहां पे, बताया था जो पता, एक मर्द एक औरत में था तकरार बखुदा। फिर आपके गुलाम ने दोनों से ये कहा, चलिए तुम्हें बुलाते हैं शेरे खुदा, अभी बैठे हैं इंतजार में मुश्किल कुशा। अभी सुनते ही दोनों खिदमत आली में आ गए, आदाब हुक्म आपका उस दम बजा गए, कि अर्ज क्यों बुलाया है, बस कांपते थे वो एक दूसरे से इतना लड़े हांपते थे वो। सहमे हुए थे खौफ से खुलती न थी ज़बां, पेची की तरह इस घड़ी चलती न थी ज़बां। दरबार था अली का दहन कैसे खोलते, जुर्रत नहीं थी इतनी वो एक लफ्ज बोलते। दोनों थे सर झुकाए हुए डर रहे थे वो, दामादे मुस्तफा का अदब कर रहे थे वो। लड़ते हुए गुलाम ने पाया है आपको, लड़ते हुए गुलाम ने पाया है आपको, लड़ते हुए गुलाम ने पाया है आपको। क्यों तुम इस कदर खफा हुए एक दूसरे से क्यों? उस शख्स ने ये अर्ज की इंसाफ कीजिए, कोई खता हो मुझसे अगर माफ कीजिए। मैंने किया है अक्द इस औरत से या अली, अंजाम दिया काम को उल्फत से या अली। जो हुक्म शरीयत था निभाया है शान से, अपने मकाम में इसको बिठाया है शान से। कल थी शबे विसाल तो ये माजरा हुआ, देखा जो मैंने इसको तो ना जाने क्या हुआ। नफरत शदीद हो गई इससे मुझे हुजूर, चेहरे को मैंने फेर लिया इससे ऐ हुजूर। ताकत जो मुझको होती ना ये वक्त टालता, घर से मैं अपने इसको उसी दम निकालता। उलझन में भला किस लिए जा अपनी डालता, दिल में जो बात थी उसे कैसे संभालता। नफरत जो मेरी देखी तो लड़ना शुरू किया, नफरत जो मेरी देखी तो लड़ना शुरू किया, नफरत जो मेरी देखी तो लड़ना शुरू किया। बस इस वजह से इसने झगड़ना शुरू किया, बस इस वजह से इसने झगड़ना शुरू किया, बस इस वजह से इसने झगड़ना शुरू किया। मजलिस में जो भी लोग थे रगबत सभी को थी, ये एक अजीब बात थी हैरत सभी को थी। औरत को देखा कैसे तबीयत बदल गई, क्यों नसरतों की आग कलेजे में जल गई। ऐसी अजीब बात तो हमने नहीं सुनी, एक दूसरे से ये कहा तुमने कहीं सुनी। थे कश्मकश में वो सभी रब जानता है राज, इस सारी दास्तान में कोई छुपा है राज। थे जो
हजरत अली का हुक्म था फौरन सुना गया। मजलिस से हर एक शख्स उसी दम चला गया। रोका था फकत मर्द उस औरत को आपने, आने न दिया पास में जिल्लत को आपने। औरत से कहा बात ना कोई छुपा ना तुम, पूछूं मैं जो भी वो मुझे सच सच बताना तुम। फिर फैसला हो जाएगा मालिक है रब मेरा, फिर फैसला हो जाएगा मालिक है रब मेरा, फिर फैसला हो जाएगा मालिक है रब मेरा। करता है प्यार बेपनाह बंदों से रब मेरा, करता है प्यार बेपनाह बंदों से रब मेरा, उसका हो गया तेरा करार इस तरह एक रात खो गया। थी वक्त की तलवार तेरे सर पे चल गई, हसरत का गला उस घड़ी छू कर निकल गई। निकली थी किसी काम से तू एक रात में, अब तक न कोई ऐब था इस तेरी जात में। तेरे चचा के लड़के ने तुझको पकड़ लिया, बाहों के दायरे में तुझे फिर जकड़ लिया। तू चीख न चाहती थी मगर खौफ था तुझे, रुसवाई नजर आई वो पकड़े रहा तुझे। इज्जत का वालदैन की तुझको रहा ख्याल, बेबस तू ऐसे हो गई इज्जत का था ख्याल। दामन पे तेरे दाग जिना नक्श हो गया, दामन पे तेरे दाग जिना नक्श हो गया, दामन पे तेरे दाग जिना नक्श हो गया। बिजली सी दिल पे गिर पड़ी अरमान सो गया, बिजली सी दिल पे गिर पड़ी अरमान सो गया, चली आंखों से एक बरसात सी होती हुई चली। चेहरा उदास था तेरा और खस्ता हाल था, एक एक कदम पे तुझको संभलना मुहाल था। इज्जत पे खाक पड़ गई बस एक आन में, वो वक्त वो नजारा था उस दम ध्यान में। तू हामला हुई तभी किस्मत की बात है, रोकर वो बोली या अली ये सच्ची बात है। तूने छुपाया सबसे हमल सोचती रही, तकदीर के गुलशन में अमा खोजती रही। फिर एक रोज तीर कमा से निकल गया, इस बात का पता जो तेरी माँ को चल गया। फटकार पड़ी तुझसे तेरी माँ ने ये कहा, मुँह किसके साथ काला किया है मुझे बता। इस फेल में न आई तुझे शर्म बेहया, तूने चचा के लड़के का सब हाल कह दिया। माँ ने भी सब छुपा लिया वो वक्त टल गया, माँ ने भी सब छुपा
याद हिल गया, आया जो दर्द सहा तो कलेजा दहल गया, आया जो दर्द सहा तो कलेजा दहल दे गई जंगल में एक जगह तुझे माँ तेरी ले गई, लड़का हुआ फिर पैदा वो कपड़े में बांध कर जंगल में तुमने रख दिया बेखौफ बेखतर, बच्चे के पास आ गया कुत्ता हुआ ये डर, लड़के को ये पहुंचाए ना कुत्ता कोई जरर, कुत्ते को मारा माने एक पत्थर से उस घड़ी, बच्चे को जाके लग गया पत्थर वो जिस घड़ी, सर फट गया लड़के का वो रोने लगा तभी, एहसास तुम्हें देख के होने लगा तभी, बहने लगा जो खून तो रूह कांपने लगी, माने जो देखा हाल ये वो हांफने लगी, लड़के के पास आ गई माँ तेरी दौड़ कर, चेहरे को अपने ढक लिया हाथों को जोड़ कर, बच्चे के सर को बांधा दुपट्टे को फाड़ कर, छोड़ा उसे और आ गई किस्मत बिगाड़ कर, तुम दोनों फिर वहां से चली आई अपने घर, बेटे को अपने साथ नहीं लाई अपने घर, बेटे को अपने साथ नहीं लाई अपने घर, बेटे को अपने साथ नहीं लाई अपने घर। खबर नहीं माजी के वाकये पे क्या तेरी नजर नहीं, लड़के से कहा आपने सर अपना तू दिखा, उस शख्स ने फिर सर उसे अपना दिखा दिया, पत्थर का उसके सर पे वो कायम निशान था, बोले अली शौहर नहीं बेटा है ये तेरा, हरगिज़ निकाह हुआ नहीं लड़ना तू छोड़ दे, बेटे को लेके जा तू इस बंधन को तोड़ दे, एहसान मान रब का जो पर्दा उठा दिया, फिर एक गुनाह से तुझको ऐ औरत बचा दिया, बेटे को अपने ले गई फिर वो खुशी खुशी, रहने लगे वो साथ में दोनों हंसी खुशी, सदके में मुस्तफा के ये उनका मकाम है, हजरत अली का आज हर एक लब पे नाम है, हजरत अली का इल्म जब ऐसा है मोमिनों, होगा नबी का इल्म फिर कैसा है मोमिनों, उनकी गुलामी कीजिए आबाद रहोगे, उनकी गुलामी कीजिए आबाद रहोगे, उनकी गुलामी कीजिए आबाद रहोगे, अनवार हर मकाम पे तुम शाद रहोगे, अनवार हर मकाम पे तुम शाद रहोगे, अनवार हर मकाम पे तुम शाद रहोगे।